मेरा नाम राजल है और आज भारत के विकास के लिए समाज में युवाओं का नशा मुक्त होना सबसे आवश्यक है। इस विषय पर हमने एक प्रेस वार्ता आयोजित की है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने जीवन में कभी नशा नहीं किया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि समाज में नशे से युवाएं काफ़ी परेशान हैं। संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आप नशा करें चाहे ना करें, इसके दुष्परिणाम झेलने ही पड़ते हैं। आम जीवन में अगर आप देखें तो एक्सीडेंट है, चेन स्नैचिंग है, जितनी भी घटनाएं हैं ज़्यादातर जो हम देखते हैं ये नशे का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसका मुख्य कारण है। एक हमने किताब लिखी थी राजल नीति, और क्योंकि ये विषय इतना संवेदनशील है इससे इसको हमने एक अध्याय में लिखा भी था कि इससे मेरा क्या मतलब, कि उसका उसमें हमने ये लिखा था कि किस तरह से नशा जो है अप्रत्यक्ष रूप से समाज में जो है गंदगी फैला रहा है और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। 19 दिसंबर को नशा उन्मूलन रैली एक आयोजित हो रही है अखिल भारतीय गायत्री परिवार के द्वारा, जो लालडिगी पार्क से शुभारंभ जिसका होगा, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा और समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि इस आयोजन को सफल बना सकें और समाज को हम लोग नशा मुक्त कर सकें, क्योंकि समाज हमारा पूरा परिवार है और हम चाहेंगे समाज नशा मुक्त हो। और मैं युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि जीवन में आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावना है और जीवन बहुत सुंदर हो सकता है, क्यों ना इसे नशा मुक्त बनाएं। और इसी आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।